एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको नोटेशंस ए से लिखते हैं हम लोग। ये आपको बताएगा कि कितना वेलोसिटी में चेंज किया गया, कितने टाइम के अकॉर्डिंग। तो लिखिए द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सिंपल फार्मूला है भाई, मान लेते हैं हम लोग यू क्या है आपका, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है, इट इज फाइनल वेलोसिटी। और टी क्या है आपका, टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, द चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज करने के लिए बाय टाइम, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया जाएगा तो वेलोसिटी ही बचना है, यूनिट क्या बचेगा इसका, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ए, इट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, तो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनिट ये भी क्या होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये था आपका एक्सेलरेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, लिख लीजिए एक बार। अगर इक्वल चेंज हो वेलोसिटीज के अंदर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो लिखिए, व्हेन देयर इज ए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरीके से ये मान लेते हैं हमारा, ये जीरो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम होगा मान लेते 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है। जो चेंज हुआ वेलोसिटीज में वो हर पॉइंट पे क्या है, सेम है भाई, हर इंटरवल में क्या हो, सेम। यहाँ पे चेंज कितना हुआ, 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में एंड 1 सेकेंड में। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, उसका नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच का। 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहला कंडीशन लिख देंगे, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, व्हेन बॉडी एट ए रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ये हमारा डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं, इट इज डिस्टेंस डी मान लेते हैं, यहाँ पे टाइम टी। अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो हर टाइम के लिए बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे। मतलब अगर आपने इनिशियली मेजर किया, यहाँ पे मान लेते हैं 2 मीटर डिस्टेंस है आपके और बॉडी के बीच में, आफ्टर 1 आवर डिस्टेंस कितना होगा, अगेन 2 मीटर, 3 आवर, 2 मीटर, 4 आवर, 2 मीटर एंड सो ऑन। तो ग्राफ की शेप क्या होगी, इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये है ग्राफ किसके लिए, व्हेन बॉडी एट ए रेस्ट। सेकंड ग्राफ जो बनेगा वो है व्हेन बॉडी मूव, बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ये होता है अभी। यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस चेंज हुआ टाइम इंटरवल में
वो वैल्यू हर जगह पे क्या होगी, बराबर होगी। यानी ग्राफ का शेप रहता है ये वाला। यूनिफॉर्म मोशन को कैसे दिखाते हैं हम लोग, हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। जब डिस्टेंस जीरो है टाइम जीरो है, डिस्टेंस टू मीटर टाइम वन सेकेंड, डिस्टेंस फोर मीटर टाइम टू सेकेंड। एंड एग्जाम्पल लेते हैं, ओके इसका ग्राफ बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ किसका है, ये टेबल किसका बना हुआ है, इट इज़ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि जो इंटरवल हैं वो हर जगह पे इक्वल्स है, भी यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, सेम। यहाँ पे टाइम का वैल्यू वन, यहाँ पे टाइम का वैल्यू वन, यहाँ पे टाइम का वैल्यू वन। इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम इसी ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ बनाइए एक बार, अगर हम इसी ग्राफ के अंदर टू पॉइंट बना लेते हैं ए एंड बी, और आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, उसका तरीका ये है, आप टाइम एक्सिस पे एक लाइन ड्रा कीजिए, ये टाइम देगा इस पॉइंट का टाइम t1, यहाँ से ड्रा करते हैं इसका टाइम है t2, यहाँ पे ड्रा करते हैं ये डिस्टेंस x1 मान लेते हैं, यहाँ से ड्रा करते हैं डिस्टेंस x2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का बीच का वेलोसिटी कैसे होगा, स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ए बी के बीच का कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इट इज x2 टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का, t2 टू माइनस t1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में देखिए ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, बट इट इज नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हम थर्ड पॉइंट करते हैं, थर्ड पॉइंट है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा भाई, ग्राफ कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ना छोड़ के ग्राफ कुछ भी बनेगा तो कैसा रहेगा, इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा रेस्ट को दिखाएगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इट रिप्रेजेंट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपकी बार जो ग्राफ बनाएंगे वो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होगा। देखिए अगर हम पैरा पॉइंट यूज करते हैं कि बॉडी एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे बॉडी होगी तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, जीरो, तो ग्राफ क्या रहेगा, ब्लैंक ग्राफ। तो उसका कोई फायदा बनाने का नहीं है, तो उसका पहला पॉइंट बना लेता हूँ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वैल्यू कितना होगा। देखिए अगर बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू रहेगा सेम। सेम मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान लो वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकंड है इनिशियली टाइम के लिए, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ग्राफ का वैल्यू क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। अब इसी ग्राफ के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, कोई पॉइंट बना लिया मैंने ए और बी, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं, इट रिप्रेजेंट टी वन टाइम, यहाँ पे किया ये कोई टाइम टी टू है, ये पॉइंट मैं सी मान लेता हूँ, इट इज सी पॉइंट, इट इज डी पॉइंट। तो चेक कीजिए ए और बी का कितना वेलोसिटी है, बिल्कुल सेम वेलोसिटी होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी चल रही है। तो अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई सॉरी डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी v है और ab का टाइम कितना है, t2 माइनस t1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, t2 माइनस t1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, ए बी जो है ये रेक्टेंगल फॉर्म में बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो क्या होता है एरिया, लेंथ ए सी इंटू ब्रेथ सी डी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ग्राफ से देखें तो एरिया का वैल्यू कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी फ्रॉम द ग्राफ, इट इज इक्वल टू वी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी फ्रॉम द ग्राफ, इट इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को चेक करो, दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड बराबर है, सॉरी दोनों इक्वेशंस का राइट साइड बराबर है, तो उनका लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े तो उन पॉइंटों के नीचे का एरिया निकाल लीजिए। तुम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, जो भी एरिया आप निकालोगे वही क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट करते हैं, फोर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर हम ग्राफ बनाएं वेलोसिटी टाइम का तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ग्राफ का सेव क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेम ग्राफ के अंदर अगर आपको कोई पॉइंट बना लिया जाए ए बी, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, तो क्या करोगे, ए और बी के नीचे का एरिया निकाल लीजिए, इट गिव द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। इसका थर्ड पॉइंट रहेगा, फोर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर इसकी बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई भी ग्राफ बना लीजिए, इट रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये थे ग्राफ सिस्टम भी, पोजिशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशन होती हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस। ओके, इसके अंदर u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है यहां पे, इट इज एक्सेलरेशन, a इज द एक्सेलरेशन, t क्या है, t इज द टाइम, एंड व्हाट इज s, s इज द डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको तीनों इक्वेशन को प्रूव करना है, प्रूव करने के तीन मेथड हमारे पास, हम बेक यूज करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ्स, बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ कौन सा है, इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे टाइम है, ये पॉइंट ओ है, मान लेते हैं ग्राफ का शेप ये है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को, जब स्ट्रेट लाइन
हो, बट इट इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस। तो ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट जो बनता है इट इज बी। ये वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, इट इज इनिशियल वेलोसिटी यू, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, इट इज वेलोसिटी वी फाइनल। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सिंपल है भाई, पहला इक्वेशन हमको प्रूव करना है वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, ये हमको प्रूव करना है। हम ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड ए बी, ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या चेंज इन टाइम ले सकते हो। चेंज वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम टी माइनस जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल फॉर्म में, वी माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया, ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन प्रूव करते हैं, सेकेंड था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आई हुई है, अगर किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़े तो सिंपल है, उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लीजिए। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में एस ले लेता हूँ, ये क्या आएगा, एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी, ए बी के नीचे का एरिया। अब एरिया निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पूरी शेप यूज कर सकते हो जो कि क्या है, ट्रेपेजियम है ये शेप, या फिर क्या करो, इस शेप के दो हिस्से कर लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये पॉइंट डी मान लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट एस को, इट इज एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीओ, एसीडीओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीओ। सिंपल है भाई, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है, वन बाई टू परपेंडिकुलर इनटू बेस, कितना है, बी सी इंटू ए सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट इज ए ओ इंटू ओ डी। अब डायग्राम से देखिएगा, ग्राफ से देखते हैं हम लोग, वन बाई टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम द ग्राफ, बी सी का वैल्यू कितना है, इट इज दिस वैल्यू, ये किसके बराबर है, वी माइनस यू के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू वी है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यू है, ये निकालना है। तो बड़े में से क्या करते हैं, छोटा माइनस करेंगे, बी सी का वैल्यू है वी माइनस यू, और ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, और ए डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टी है भाई, टाइम कितना है इसका, टी, तो ये टाइम टी हो गया। प्लस व्हाट इज ए ओ, ए ओ है यू, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी, ओ डी है टी, कर लोगे। अब फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो वी माइनस यू का वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, ए टी, तो वन बाई टू वी माइनस यू की जगह पे ए टी, और बार टी भी है मल्टीप्लाई में, इंटू यू टी। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, एस इज इक्वल टू, ये बना यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ए टी स्क्वेयर। देखिए थर्ड इक्वेशन प्रूव करते हैं, थर्ड क्या था, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू, क्या करोगे, एरिया ऑफ, पूरा शेप ले लेते हैं अब की बार, पहले मैंने हाफ हाफ करके किया था इसको, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, क्या बना शेप, ये इट इज ट्रेपेजियम भी, ए बी डी ओ, कंप्लीट शेप भी ए बी डी ओ, तो ये शेप होता है किसी भी ट्रेपेजियम का भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू वन बाई टू
सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है, ये हाइट एच है भाई। इस शेप को अगर मैं खड़ा करूंगा तो ये शेप बन जाएगा, यानी इसका हाइट और इसका बेस सेम है भाई यहाँ पे। तो कैसे लिखोगे, एस इज इक्वल टू, इसमें पैरेलल साइड कौन सा शेप के अंदर, इसमें पैरेलल साइड है, इट इज बी डी प्लस ए ओ वन बाई टू इंटू हाइट जो बना हुआ है इट इज ओ डी। हाइट क्या बना हुआ है, ओ डी। एस इज इक्वल टू वन बाई टू, वट इज द वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम द ग्राफ, बी डी इज इक्वल टू वी वी। वट इज द वैल्यू ऑफ ए ओ, इट इज यू। ऑफ ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू टी। क्या बना है, एस इज इक्वल टू वन बाई टू वी प्लस यू इन टू टी। फिर से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या था, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, t निकालिए यहाँ से, t इज इक्वल टू कितना आएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, जिसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं t का वैल्यू भी। s इज इक्वल टू वन बाई टू वी प्लस यू, और t का वैल्यू कितना है, v माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। तो इसको सोल्व करें तो ये फार्मूला बनता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनता फार्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो कैसे लिखोगे, वन बाई टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टी। तो कितना होगा, देखिए v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को छोड़ा बाकी इस तरफ ले जाते हैं, 2as, सॉरी 2, सॉरी ये a आएगा नीचे भी, इट इज a, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे भी a आएगा, क्योंकि t का वैल्यू कितना है, v माइनस यू बाई a। तो कितना आएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई इंटू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले तो पढ़ते हैं कि होता क्या है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या चीज़ है, देखिए अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो क्या बोल सकते हैं उसको, बॉडी किस में चल रही है, इट इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशंस। सिंपल है, एक रेडियस आर है। तो यूनिफॉर्म वर्ड किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के घुमा रहा हूँ और धागा टूट जाए इस पॉइंट के ऊपर तो पत्थर ऐसे चलेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर यहाँ से टूट जाए तो ऐसे चलेगा, यहाँ से टूटे तो ऐसे जाएगा। इट इज टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। एक बार लिख लीजिए क्या होता है, वट इज सर्कुलर मोशन, वेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर कुछ भी, इट इज सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म कैसे होगा, देखिए हर जगह पे स्पीड तो बराबर होगी बट वेलोसिटी डायरेक्शन हर जगह पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो लिख लीजिए क्या होता है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। अगर आप स्पीड की बात करते हो, फार्मूला निकालते हो, कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाई टाइम। एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इट इज 2πr, और टाइम कितना यूज हुआ, टी। इट इज द फार्मूला फॉर स्पीड इन सर्कुलर मोशन, ओके।